हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगी, जो कि सभी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। यदि आप 9th, 10th, 11th या 12th में पढ़ते हैं या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो ये सभी प्रश्न आपको जानना ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, लिनियस, अरस्तु या फिर मेंडल। तो इसका सही जवाब होगा अरस्तु, यानी ऑप्शन सही, इसका सही जवाब होगा अरस्तु। दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, दूसरा क्वेश्चन है, जीवन का भौतिक आधार यानी फिजिकल बेसिस क्या है? जीवन का भौतिक आधार है, ऑप्शन है जीन, कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर जीव द्रव्य। तो इसका सही आंसर होगा जीव द्रव्य। ठीक है, जीव द्रव्य यानी ऑर्गेनिज्म, ये जीवन का भौतिक आधार होता है और इसी में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, सर्वप्रथम कोशिका का पिता यानी फर्स्ट सेल डिस्कवर, कोशिका का पता किसने लगाया था? कोशिका के बारे में, कोशिका के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, या कोशिका का आविष्कार भी कह सकते हैं, किसने किया था? ऑप्शन है स्लाइडेन, रॉबर्ट हुक, स्वान या डार्विन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक, इन्होंने ही कोशिका के बारे में सबसे पहले बताया था। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, कोशिका का शक्ति केंद्र यानी पावर सेंटर किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, केंद्रक या फिर कोशिका द्रव्य। तो इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, कोशिका का शक्ति केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभेदित करती है? ये निकल सकते हैं कि कौन सी ऐसी संरचना है कोशिका में जो पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करती है? ऑप्शन है कोशिका भित्ति, पर्णहरित, सेंट्रियोल या फिर ये सभी। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी यानी सेंट्रियोल। ये सब क्या है? ये सब पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ऑप्शन है राइबोसोम, लाइसोसोम, रिक्तिका या फिर सेंट्रोसोम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम, क्योंकि लाइसोसोम में ऐसे पाचक एंजाइम होते हैं कि अगर ये इसकी झिल्ली फट जाए कोशिका के अंदर, तो कोशिका में जो भी कोशिकांग, अन्य संरचनाएं जो भी पाई जाती हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगी, सबका पाचन हो जाएगा। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका का आत्महत्या की थैली कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन है, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? किसने डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में बताया था डीएनए संबंधित? ऑप्शन है वाटसन एवं क्रिक, स्लाइडेन एवं स्वान, रॉबर्ट हुक या ग्रेगर मेंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक, वाटसन एवं क्रिक। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वाटसन एवं क्रिक, इन्होंने ही डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 है,
डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है उसका प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन है प्रोटीन संश्लेषण, कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय परिवहन या फिर अनुवंशिक क्रियाओं का संचालन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुवंशिक क्रियाओं का संचालन। ठीक, क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? कोशिका भित्ति में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में या फिर राइबोसोम में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में आरएनए जो है वो पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10th है, अनुवंशिकी का पिता फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? अनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लेमार्क, डार्विन, मेंडल या फिर अरस्तु। किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेंडल। मेंडल ग्रेगर जॉन मेंडल का पूरा नाम था, तो ये अनुवंशिकी के पिता कहलाते हैं। इनको कहा जाता है क्योंकि इन्होंने मटर के पौधे पे कई वर्षों तक मतलब विभिन्न अनुसंधान प्रयोग किए थे और इन्होंने अनुवंशिकी का पता लगाया था, इसीलिए इनको अनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11th, मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या यानी क्रोमोसोम की संख्या पूछी जा रही है, तो इसका सही जवाब होगा 46, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। जोड़े में होते हैं, मनुष्य में जितनी भी कायिक कोशिकाएं होती हैं उनमें क्रोमोसोम जोड़े में होते हैं, ठीक है, यानी 23 जोड़े अर्थात 46, लेकिन जो जनन कोशिकाएं होती हैं उनमें क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है, दुगनी नहीं होती। चलिए क्वेश्चन नंबर 12th है, मनुष्यों में होने वाले आनुवंशिक रोग कौन से हैं? मनुष्यों में होने वाले आनुवंशिक रोग कौन से, यानी ऐसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ऑप्शन है वर्णांधता, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम या फिर ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, ये सभी, क्योंकि ये सभी जो वर्णांधता है यानी वर्णों के बीच में भेदन करने की क्षमता का न होना, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम इत्यादि जो भी बीमारियां हैं ये मनुष्य में आनुवंशिक रोग हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13th है, लड़का पैदा होगा जब, यानी लड़का कब पैदा होगा? जब गुणसूत्र XX हो, जब YY गुणसूत्र हो, जब XY गुणसूत्र हो या XXX गुणसूत्र हो। तो देखिए इसमें होता क्या है कि जब XX गुणसूत्र होगा, ठीक है, तो लड़की होगी, है ना, दो ही संभावना है, या तो इसमें लड़की होगी, YY गुणसूत्र होगा ही नहीं या XY होगा तो इसमें लड़का होगा, ठीक है। बाकी ये जो यानी ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि मेल में एक्स या वाई दोनों गुणसूत्र हो सकते हैं और एक्स जो फीमेल होती है उसमें सिर्फ एक्स गुणसूत्र होते हैं, तो अगर एक गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र एक्स के साथ मिलेगा तो लड़का लड़की होगी, और अगर एक्स गुणसूत्र वाई के साथ मिला तो लड़का होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी एक्स वाई गुणसूत्र ये स्थिति होगी तब लड़का पैदा होगा। क्वेश्चन नंबर 14th है, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में लक्षण दिखाई देते हैं, यानी कैसे लक्षण दिखाई देते हैं? आयरन की कमी हो जाती है, रक्त का महरा बंद नहीं होता है, रक्त बनता ही नहीं है या फिर रक्त में श्वेत रक्त कण मृत हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रक्त का बहना बंद नहीं होता है। हीमोफीलिया जो बीमारी होती है उससे जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसमें रक्त अगर कहीं कट फट जाए तो रक्त का बहना बंद नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन है, जीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई है, यह अनुवंशिकी की इकाई है,
यह गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्योंकि जीन में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। यह डीएनए की एक क्रियात्मक इकाई भी है, यह आनुवंशिकी की भी इकाई है तथा यह गुणसूत्रों पर उपस्थित रहता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? ऑप्शन है जगदीश चंद्र बोस, वाटसन, हरगोविंद खुराना या फिर रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरगोविंद खुराना। इन्होंने ही सबसे पहले कृत्रिम संश्लेषण किसका? जीन का कृत्रिम संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने सबसे पहले किया था। अगला प्रश्न है प्राकृतिक चयन के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का प्रतिपादक का नाम क्या है? ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, लमार्क, अरस्तु या हरगोविंद खुराना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। उन्होंने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसके अनुसार प्रकृति अपने अनुकूल जीवों को चुनती है। जो जीव प्रकृति में जीवित रहने में सक्षम होता है वो जीवित रहता है, और जो प्रकृति में जीवित रहने में सक्षम नहीं होता उस जीव का ह्रास हो जाता है, वो जीव इस धरती पर से लुप्त हो जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आनुवंशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? ऑप्शन है मटर, डहलिया, सरसों या गेहूं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मटर। मटर के पौधे का चुनाव करने का कारण ये था कि वो उसकी आयु जो है वह जल्दी ही समाप्त हो जाती है, पौधा जल्दी तैयार हो जाता है, कम स्पेस लेता है और पौधों में विपरीत लक्षण ज़्यादा पाए जाते हैं। इन्हीं सब कारणों से मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया था अपने प्रयोगों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं हो सकती? यानी एक वर्णांध व्यक्ति जो होता है वह किस किन किन रंगों की पहचान नहीं कर सकता? ऑप्शन है लाल व पीला, हरा व पीला, लाल व नीला या फिर लाल व हरा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल व हरा। एक वर्णांध व्यक्ति जो होता है वह लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? ऑप्शन है प्रोटोजुआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा या फिर आर्थ्रोपोडा। यानी किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो संघ होता है, प्रोटोजोआ को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है, प्रोटिस्टा कह सकते हैं इसको, संघ प्रोटिस्टा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 21। किस कोशिकीय जंतु अमीबा एवं युगलिना को एक कोशिकीय जंतु अमीबा तथा युगलिना को किस संघ में रखा गया है? ऑप्शन है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एम्फीबिया या फिर प्रोटोजोआ। तो इसको संघ प्रोटोजोआ या फिर प्रोटोजोआ कह सकते हैं इसको, साथ ही ये होता है प्रोटिस्टा, इसका नाम होता है प्रोटिस्टा। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है लेकिन इसका सही जवाब होगा प्रोटिस्टा। ठीक है, यानी एक कोशिकीय जंतु अमीबा तथा युगलिना को संघ प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेंढक में श्वसन
किस अंग द्वारा होता है? ऑप्शन है त्वचा द्वारा, क्लोमों द्वारा, फेफड़ों द्वारा या फिर इन तीनों के द्वारा। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों के द्वारा। ठीक है, इन तीनों के द्वारा मेंढक में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक मछली कौन सी है? रियल फिश से कौन सी है? ऑप्शन है स्टार फिश, ब्रिटल फिश, हिप्पोकैम्पस या सीस ककम्बर। पूछा जा रहा है कि इनमें कौन वास्तविक मछली है। ठीक है, स्टार फिश, बीटल स्टार, हिप्पोकैम्पस या सी ककम्बर। तो इसका सही जवाब होगा हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस ये वास्तविक मछली होती है, हिप्पोकैम्पस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मेंढक किस वर्ग का जंतु है? मेंढक किस वर्ग का जंतु है? ऑप्शन है ऑस्टिकथिज, एम्फीबिया, सरीसृप या कॉन्ट्रिकथिज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम्फीबिया, उभयचर। इसको कहते हैं उभयचर। ठीक है, क्योंकि यह स्थल पर भी रहता है और जल में भी रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? यानी मैमेलियन का जो हृदय होता है उसमें कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 4। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा 4, क्योंकि इसमें क्या होते हैं कि 2 आलिंद होते हैं और 2 नीलय होते हैं। ठीक है, जितने भी मैमेलियन हैं उनमें 2 आलिंद यानी दयालिंद, बायालिंद और दायां नीलय तथा बायां नीलय, ये 4 कक्ष होते हैं मैमेलियन के हर्ट में। अगला प्रश्न है, स्तनधारी वर्ग यानी मैमेलियन क्लास में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? ऑप्शन है भैंस, बकरी, मनुष्य या व्हेल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी बकरी। ठीक है, ये मैमेलियन है जिसमें रक्त का तापमान सबसे अधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं? मछलियाँ जो हैं वो किस अंग से सांस लेती हैं? ऑप्शन है नाक, त्वचा, गिल या मुंह। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गिल्स, यानी फेफड़े के द्वारा मछलियाँ जो हैं वो, मछलियाँ जो होती हैं, मछलियों में जो गिल फेफड़ा होता है वह गिल्स के रूप में होता है, गल्फर के रूप में। ठीक है, तो मछलियाँ सांस गल्फर के द्वारा लेती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, सबसे बड़ा स्तनधारी या मैमेलियन का नाम क्या है? ऑप्शन है हाथी, डॉल्फिन, मनुष्य या ब्लू व्हेल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल क्या होती है, यह सबसे बड़ी मैमेलियन होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? सबसे छोटा पक्षी पूछा जा रहा है। ऑप्शन है एमू, कीवी, हमिंग बर्ड या गौरैया। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हमिंग बर्ड, ये विश्व का सबसे छोटा पक्षी होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कशेरुक जंतु वर्टिब्रेटा के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है कौन सा? ऑप्शन है इनामेल, दांत, जांघ की हड्डी या कलाई की हड्डी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनामेल। ये कशेरुक जंतु जो भी वर्टिब्रेटा होते हैं उनके शरीर के सर्वाधिक कठोर भाग होता है इनामेल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हेल में श्वसन किस अंग में होता है? व्हेल मछली का नाम सुने हैं, उसमें श्वसन किस अंग में होता है? ऑप्शन है गिल्स, त्वचा, फेफड़ा या मुंह, यानी किस में श्वसन की क्रिया होती है, किसके द्वारा। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फेफड़ा। ठीक है, लंग्स। व्हेल में श्वसन फेफड़ा द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? ऑप्शन है सिटीभीमा, कार्डिवोरा, कार्निवोरस, प्राइमेट्स या इंसेक्टिवोरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राइमेट्स। ठीक है, प्राइमेट्स के अंतर्गत आधुनिक मानव को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर
33 है, उत्तकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहते हैं, यानी सेल टिश्यू स्टडीज क्या कहते हैं विज्ञान की शाखा को? ऑप्शन है साइटोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी या एनाटॉमी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिस्टोलॉजी, यानी हिस्टोलॉजी के अंतर्गत हम उत्तकों का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं के समूह को यानी ग्रुप ऑफ सेल क्या कहा जाता है? ऑप्शन है उत्तक, अंग, अंगतंत्र या कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तक, यानी एक समान रचना और कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को हम उत्तक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुनरुत्पादन की क्षमता किस प्रकार के उत्तकों में सर्वाधिक होती है, यानी कौन सी कोशिकाएं हैं, कौन से उत्तक हैं जिनमें पुनरुत्पादन की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपकला उत्तक। ठीक है, संयोजन संयोजी में होगा, ना पेशीय में होगा, ना तंत्रिका में होगा, ना, और मतलब सिर्फ जो है वो उपकला या एपिथेलियम में ही पुनरुत्पादन की क्षमता जो है वह होती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला उत्तक है। ऑप्शन है पेशी, संयोजी, तंत्रिका या उपकला। तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए, पेशी। पेशी उत्तक ही है जो ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? रक्त किस प्रकार का उत्तक? ऑप्शन है पेशी, संयोजी, तंत्रिका या उपकला। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, रक्त क्या है, रक्त एक तरल, इसको लिक्विड फॉर्म में हो रहता है, इसलिए इसको तरल संयोजी उत्तक कहा जाता है। ठीक है, तरल संयोजी उत्तक कहा जाता है रक्त को। अगला क्वेश्चन है, अरेखित पेशी उत्तक कहाँ पाए जाते हैं? और अरेखित पेशी या अनैच्छिक पेशी कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है हर्ट, आमाशय, स्टोमेक या फिर आहार नाल। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, स्टोमेक, यहाँ पे और अरेखित पेशी उत्तक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयोजी उत्तक के उदाहरण दें। संयोजी उत्तक के उदाहरण देना है, ऑप्शन है लिम्फ, हड्डियाँ, प्रोटीन या ये सभी। तो सही इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी संयोजी उत्तक के उदाहरण है, लिम्फ हो, हड्डियाँ हो, प्रोटीन हो। क्वेश्चन नंबर 14 है, संकुचनशील उत्तक के नाम से जाना जाता है। संकुचनशील उत्तक के नाम से कौन सा उत्तक जाना जाता है? ऑप्शन है संयोजी उत्तक, रेखित उत्तक, तंत्रिका उत्तक या फिर पेशी उत्तक। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, पेशी उत्तक, संकुचनशील उत्तक के नाम से पेशी उत्तक जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 41, चेतना उत्तक किस प्रकार के उत्तक को कहते हैं? चेतना उत्तक किस प्रकार के उत्तक को कहते हैं? ऑप्शन है उपकला, तंत्रिका, पेशी या फिर सभी। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी तंत्रिका। तंत्रिका को चेतना उत्तक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, यानी हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है श्वेत रक्त कण में, लाल रक्त कण में, लसिका में या फिर ए और बी अर्थात श्वेत रक्त कण और लाल रक्त कण यानी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लाल रक्त कण। यहाँ लिखने में कन्फ्यूजन हो गया है, लाल रक्त कण को हम आरबीसी कहते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, यानी रेड ब्लड सेल्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि कहते हैं? ऑप्शन है थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी या फिर एड्रिनल। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पिट्यूटरी ग्रंथि, इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि यह अन्य जो ग्रंथियां होती हैं उनका नियंत्रण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 204, 206, 106 या 209। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 206। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं।
अगला क्वेश्चन है, वो जो भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है, यानी क्या है, कौन सा पाचक एंजाइम है जो भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है। ऑप्शन है टाइलिन, रेनिन, पेप्सिन या फिर लाइपेज। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, टाइलिन। टाइलिन क्या करता है, टाइलिन भोजन में जो उपस्थित शर्करा होता है उसको माल्टोज में बदल देता है। टाइलिन हमारे लार ग्रंथियों से स्रावित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है, बड़ी आंत में, यकृत में, छोटी आंत में या फिर ग्रास नली में। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। छोटी आंत में भोजन का अवशोषण पूरी तरह पूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जा रही है। ऑप्शन है पिट्यूटरी, वृक्क, थायराइड या यकृत। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर होती है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है, इनमें से कौन सा रोग है जो इंसुलिन की कमी से होता है। ऑप्शन है दमा, टीबी, डायबिटीज या फिर ये दोनों। तो इंसुलिन की कमी से पूछा जा रहा है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डायबिटीज या मधुमेह या इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है, कौन पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है, इनमें से कौन सा पोषक तत्व है, पोषक पदार्थ जो शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन है प्रोटीन, विटामिन, वसा या फिर कार्बोहाइड्रेट। पूछा जा रहा है कौन सा इसमें त्वरित ऊर्जा प्रदान करने वाला स्रोत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई है, यानी इनमें से पूछा जा रहा है कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई कौन सी है। ऑप्शन है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, बोमन संपुट या ग्लोमेरुलस। तो इसका सही आंसर होगा नेफ्रॉन। देखिए न्यूरॉन होता है तंत्रिका तंत्र की इकाई और नेफ्रॉन होता है वृक्क की इकाई, ठीक। बाकी जो ये दोनों हैं बोमन संपुट और ग्लोमेरुलस, ये नेफ्रॉन के ही भाग होते हैं। तो वृक्क की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी इनमें क्या है जो नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन है अमोनिया, पोटेशियम, सल्फेट या यूरिया। तो इसका सही आंसर होगा यूरिया, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। यूरिया नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्लैंड जिसे कहते हैं, यह कहाँ स्थित होता है। ऑप्शन है गले में, मस्तिष्क में, वक्ष में या उदर में। तो सही आंसर इसका होगा मस्तिष्क में, ह्यूमन ब्रेन जो होता है, मानव मस्तिष्क, उसमें पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। अगला प्रश्न है, आँख में किस भाग के नष्ट होने पर आँख की रोशनी समाप्त हो जाती है, यानी आँख के किस भाग के नष्ट होने पर आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है। ऑप्शन है रेटिना, आइरिस, कॉर्निया या प्यूपिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया। ये आँख का ऐसा भाग है जिसके नष्ट होने से आँखों की रोशनी ही समाप्त हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण RBC का निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन है हृदय या हार्ट में, लाल अस्थि मज्जा या रेड बोन मैरो में, लसिका या लिम्फ में या फिर पित्त अस्थि मज्जा या येलो बोन मैरो में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल अस्थि मज्जा जो होती है उसमें RBC का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, कशेरुक दंड या वर्टिब्रेटा में हड्डियों की कुल संख्या
पाई जाती है। कशेरुक दंड वर्टिब्रेटा जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें पूछा जा रहा है कि हड्डियों की कुल संख्या कितनी पाई जाती है। ऑप्शन है 63, 54, 42 या फिर 33। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 33। कशेरुक दंड में जो कुल हड्डियां हैं वो 33 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है। ऑप्शन है रेडियस, अल्ना, फीमर या टीबिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फीमर। ये होती है जांघ की हड्डी जो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 58 है, मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है। यहाँ शुद्ध होने की बात कही जा रही है यानी उसका जो उत्सर्जी पदार्थ जो उसमें मिला हुआ है वो कहाँ पे शुद्ध होता है। ऑप्शन है हृदय में, फेफड़ा में, वृक्क में या धमनी में। तो देखिए शुद्ध होने की बात कही जा रही है तो वही बताया गया जो उत्सर्जी पदार्थ है वो रक्त में मिलता है तो जो वो कहाँ पे उसको अलग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वृक्क में। जो किडनी होती है हमारी वो रक्त को शुद्ध करने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 59 है, मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है। मनुष्य के जो हर्ट स्पंदन है, हर्ट बीट जो जिसे कहते हैं, वो कितनी बार होता है 1 मिनट में। ऑप्शन है 72, 82, 78 या 76। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 72 यानी 72 बार। 1 मिनट में मनुष्य का हृदय 72 बार ब्लड को पंप करके बाहर भेजता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है, किस रक्त समूह को सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। सर्वदाता। ऑप्शन है ए रक्त समूह, बी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह या फिर ओ रक्त समूह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ओ रक्त समूह। ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो सबको ब्लड दे सकता है यानी ए ब्लड ग्रुप वाले को भी, बी ब्लड ग्रुप वाले को भी और ए बी ब्लड ग्रुप वाले को भी रक्त दे सकता है, इसलिए इसको सर्वदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है। ए रक्त समूह, बी रक्त समूह, ए बी रक्त समूह या ओ रक्त समूह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए बी रक्त समूह। ए बी रक्त समूह सबका रक्त ले तो सकता है लेकिन ये सिर्फ किसको देगा, ये सिर्फ ए बी ग्रुप वाले को ही देगा, ठीक है। बाकी ये तीनों का ले सकता है, ए रक्त समूह, बी रक्त समूह और ओ रक्त समूह, तीनों ग्रुप का ले सकता है, इसलिए इसको सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल एडेप्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन है स्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरॉल, साइनोकोबालमिन या कैल्सिफेरॉल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कैल्सिफेरॉल। ये क्या होता है, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इधर विटामिन्स दिए हुए हैं और इधर उसके रासायनिक नाम दिए हुए हैं। तो उसमें पूछा जा रहा है, सबसे पहला है विटामिन ए जिसका रेटिनॉल दिया हुआ है रासायनिक नाम, विटामिन सी जिसका स्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन बी थायमिन या विटामिन के टोकोफेरॉल। तो जो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन के का टोकोफेरॉल, ये सुमेलित नहीं है यानी कह सकते हैं कि यह सही सुमेल नहीं है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है यानी मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन है ग्वाइटर, स्कर्वी, रिकेट्स या पोलियो। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए ग्वाइटर। ये आयोडीन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है, इसको हम घेघा रोग भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सुमेलित
नहीं है, कौन सा युग्म इसमें सुमेलित नहीं है? तो देखिए ऑप्शन जो दिए हुए हैं, विटामिन ए का हड़तौंधी यानी इसकी कमी से होने वाले रोग हैं, विटामिन बी का बेरी बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, और चौथा जो विटामिन डी है इसका नपुंसकता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नपुंसकता, यानी यह जो है यह सुमेलित नहीं है। इसलिए यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? यानी यहाँ कौन सा विटामिन दिया हुआ है नाम जो जल में घुलनशील होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी तथा विटामिन बी और सी दोनों। यानी पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बी और सी दोनों, विटामिन बी और सी, ये दोनों क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, जबकि जो वसा में घुलनशील विटामिन है उनके नाम याद रखिएगा एडेक, ए डी ई के, ठीक है, विटामिन ए डी ई और के, यानी ए विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये क्या होते हैं, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, जबकि विटामिन बी और सी ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कण यानी आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? ऑप्शन है 125 दिन, 120 दिन, 90 दिन या 140 दिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 120 दिन। आरबीसी जो बनता है हमारे शरीर में लाल अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिका, उसका जीवन काल होता है 120 दिन, उसके बाद ये टूट जाता है और लीवर में इसको छान लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में ताप का नियंत्रण करता है, ताप का नियंत्रण पूछा जा रहा है शरीर में किसके द्वारा होता है? ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, हृदय, सेरिब्रम या त्वचा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, बॉडी में जो टेम्परेचर होता है उसको नियंत्रित करता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है ऑक्सीजन का वहन, बैक्टीरिया को नष्ट करना, एनीमिया का निदान या फिर इनमें सभी। तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑक्सीजन का वहन, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो होता है जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, या ऑक्सीजन का कार्य करना, ऑक्सीजन को ढोकर लेके जाना यानी फेफड़ों से पहले हृदय में, फिर हृदय से शरीर की समस्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन का वहन करना, यह हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है, इनमें से कौन है जो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है? ऑप्शन है क्लोरीन, लोहा, सोडियम या पोटेशियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा। लोहा जो है वह क्या है, वह हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक होता है, लोहा या आयरन। अगला क्वेश्चन है, किडनी का मुख्य कार्य है, यानी किडनी हमारी जो वृक्क है, वृक्क दोनों जिसकी संख्या दो होती है शरीर में, उसका क्या कार्य है? ऑप्शन है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, शरीर के तापमान का नियंत्रण, रक्त दाब का नियंत्रण या फिर पाचन क्रिया में सहयोग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, किडनी का यह सबसे प्रमुख कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक है, यानी मुख्य घटक कौन सा है जिससे हड्डियों एवं दांतों का निर्माण होता है? ऑप्शन है कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन तथा ए और बी, अर्थात कैल्शियम और फास्फोरस दोनों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अ और ब दोनों, अर्थात कैल्शियम भी चाहिए और फास्फोरस भी चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अ और ब, यानी ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, यानी मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट बोन। सबसे लंबी हड्डी तो फीमर हो गई, और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन है वर्टिब्रा, स्टेप्स, मेटाकार्पस या फेलेंजिन्स। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, स्टेपेस। ये अंतःकरण की हड्डी होती है जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी में बनता है? इनमें कौन सा विटामिन है जो सूर्य की रोशनी में बनता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन डी, यह सूर्य की रोशनी में बनता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य द्वारा सांस में ली जाती है, यानी कौन सी गैस है जो सांस के रूप में ली जाती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। मनुष्य सांस द्वारा क्या लेता है? ऑक्सीजन लेता है। अगला क्वेश्चन है, 76 नंबर है ये, वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 28, 30, 32 या 34। तो एक वयस्क मनुष्य के मुख में, जो मुंह होता है उसमें दांतों की कुल संख्या होती है 32, 32। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, वायरस से फैलने वाला रोग है, यानी यहाँ कुछ बीमारियों के नाम दिए हुए हैं जो पूछा जा रहा है कि इसमें वायरस से फैलने वाला रोग कौन सा है? ऑप्शन है एड्स, चेचक, खसरा या फिर ये सभी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी डी, ये सभी, क्योंकि एड्स भी वायरस से फैलता है, चेचक भी वायरस से फैलता है, खसरा भी वायरस से फैलता है। तो आंसर होगा सही ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग किस परजीवी के संक्रमण से होता है? ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, ट्रिपेनोसोमा, पास्चुरेला पेस्टिस या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से ही क्या होता है, मलेरिया रोग फैलता है। यह मादा एनाफिलीज मच्छर के लार में पाया जाता है, और यह मच्छर जब स्वस्थ मनुष्य को काटती है तो यह प्लाज्मोडियम उसके बॉडी से निकलकर, उसके लार से निकलकर मनुष्य के जो ब्लड सर्कुलेशन की जो नलिका होती है, यानी रक्त परिवहन तंत्र की नलिका, उसमें प्रवेश कर जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक है, उसके परजीवी का वाहक पूछा जा रहा है। तो आंसर होगा मादा एनाफिलीज मच्छर। फर्स्ट में ही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, मादा एनाफिलीज मच्छर। अभी जो आपको बताया गया प्लाज्मोडियम, वो इसी के लार में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग दूषित जल के सेवन से होता है, यानी कौन सा रोग है जो दूषित जल के सेवन से होता है? ऑप्शन है फ्लू, मलेरिया, तपेदिक या हैजा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैजा। हैजा क्या होता है, यह दूषित जल के सेवन से होता है। क्वेश्चन नंबर 81 है, डायलिसिस का प्रयोग किस रोग के इलाज के लिए किया जाता है, यानी किसके खराब होने पे, या कहते हैं किसके संक्रमण पे, किस अंग के सही ढंग से कार्य न करने पे डायलिसिस का प्रयोग होता है? तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं हृदय, स्पाइनल कॉर्ड, किडनी या मस्तिष्क। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किडनी। यानी किडनी जब सही तरीके से कार्य करने में सक्षम नहीं होता, तो उस समय डायलिसिस मशीन के प्रयोग द्वारा ब्लड को साफ किया जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बच्चों में BCG का टीका, यानी BCG वैक्सीन जो होता है, किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है? ऑप्शन है खसरा, TB या चेचक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, TB। TB के संक्रमण से बचने के लिए बच्चों में, मतलब जन्म के कुछ ही महीनों के बाद, BCG का टीका लगाया जाता है, ताकि वह TB जैसी बड़ी बीमारी से सुरक्षित रहे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी TB।
अगला प्रश्न है जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों को चुने, यानी इनमें कौन कौन है जो जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। एक है मलेरिया, दूसरा टीबी, तीसरा कुष्ठ, चौथा रेबीज और पांचवा सिफिलिस। तो यहाँ बताना है कि इनमें कौन कौन बीमारियाँ हैं, नंबर दिया हुआ है, जो कि जीवाणुओं के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। ऑप्शन है एक, एक नहीं, ए में है 2, 3, 4 और 5, यानी टीबी, कुष्ठ, रेबीज और सिफिलिस। ऑप्शन नंबर बी में है 1, 2, 3 और 4, अर्थात मलेरिया, टीबी, कुष्ठ और रेबीज। सी में है 2, 3 और 5, टीबी, कुष्ठ और सिफिलिस, तथा ऑप्शन नंबर डी है 2, 3 और 4, टीबी, कुष्ठ तथा रेबीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2, 3 और 4। कहने का मतलब कि टीबी भी, कुष्ठ भी और सिफिलिस, रेबीज नहीं, टीबी, कुष्ठ और सिफिलिस ये जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग हैं। अगला प्रश्न है मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग है मलेरिया, डेंगू ज्वर, पीत ज्वर या ये सभी। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, क्योंकि ये सभी जो बीमारियां हैं मलेरिया, डेंगू ज्वर और पीत ज्वर, ये सब मच्छर द्वारा फैलने वाले रोग हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाले रोगों को चुने, यानी इनमें कौन कौन है जो घरेलू मक्खियों द्वारा फैलते हैं। ऑप्शन है हैजा, अतिसार, प्लेग, तपेदिक या फिर फील पाँव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3। 1, 2, 3 कहने का मतलब क्या हुआ कि घरेलू मक्खी द्वारा फैलने वाले रोगों में कौन कौन है, हैजा है, अतिसार है और प्लेग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन जंतु प्लेग महामारी यानी एपिडेमिक को फैलाने में सहायक होता है। ऑप्शन है चूहा, बिल्ली, घरेलू मक्खी या सैंड फ्लाई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चूहा। चूहा जो होता है यह प्लेग फैलाने में मदद करता है, प्लेग जैसी महामारी। अगला क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान का पिता, फादर ऑफ बोटनी किसे कहा जाता है। ऑप्शन है एकलर, हिपोक्रेट्स, अरस्तु या फिर थियोफ्रेट्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थियोफ्रेट्स। इनको वनस्पति विज्ञान का जनक अर्थात फादर ऑफ बोटेनी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शैवालों के अध्ययन, एल्गी स्टडीज संबंधी विज्ञान को कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है। ऑप्शन है माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, वायरोलॉजी या फिर बोटनी। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कवकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान यानी स्टडी ऑफ फंगी क्या कहा जाता है। कवकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है फाइकोलॉजी, बॉटनी, माइकोलॉजी या बैक्टीरियोलॉजी। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, माइकोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी यानी शैवालों का अध्ययन, बॉटनी का अर्थ होता है वनस्पति विज्ञान और बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे कवकों का अध्ययन पूछा जा रहा है, फंगी का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माइकोलॉजी। इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो कवकों का। अगला प्रश्न है विषाणु की खोज यानी फादर ऑफ विषाणु किसने की, किसे कहा जाता है। फादर ऑफ वायरस यानी विषाणु के पिता भी कह सकते हैं। विषाणु की खोज किसने की, सबसे पहले विषाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया। ऑप्शन है इवानोस्की, लुई पाश्चर, रॉबर्ट ब्राउन या फिर कैरोलस लिनियस ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इवानोस्की। इवानोस्की ने सबसे पहले किसके बारे में बताया, विषाणुओं के बारे में बताया। अगला प्रश्न है सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी
किसे कहा जाता है, कौन सा, मतलब कह सकते हैं कि कौन ऐसा है सजीव जिसमें दोनों के गुण पाए जाते हैं, सजीव के भी और निर्जीव के भी। ऑप्शन है बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरियोफाज या इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायरस, क्योंकि वायरस में सजीवों के भी गुण पाए जाते हैं और निर्जीवों के भी गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया की खोज किसने की, बैक्टीरिया की खोज किसने की। ऑप्शन है एंटनी वॉन लीवेनहॉक, लुई पाश्चर, रॉबर्ट कोच या फिर हरगोविंद खुराना। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंटनी वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में बताया था। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने की, रेबीज के टीके की खोज किसने की। ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट ब्राउन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर लुई पाश्चर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लुई पाश्चर। इन्होंने सबसे पहले रेबीज के टीके की खोज की थी। अगला प्रश्न है, पाश्चराइजेशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, पाश्चराइजेशन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है लुई पाश्चर ने इस विधि का इजाद किया, यानी इसकी शुरुआत की, इस विधि से दूध की कुछ दिनों तक दूध को कुछ दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है, या इस विधि में दूध को सुरक्षित रखने के लिए 62.8 डिग्री सी पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि पाश्चराइजेशन के अंतर्गत इन सब विधियों का, मतलब ये सब सही है उसके विषय में कि लुई पाश्चर ने इस विधि का इजाद किया, इस विधि से दूध की कुछ दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है दूध को, या इस विधि में दूध को सुरक्षित करने के लिए 62.8 डिग्री सी पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, टीबी के टीके की खोज किसने की थी, टीबी के टीके की खोज कहा जा रहा है ट्यूबरकुलोसिस, उसके टीके की खोज किसने की थी। सबसे पहला ऑप्शन है लुई पाश्चर, दूसरा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तीसरा है रॉबर्ट कोच और चौथा कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट कोच ने, इन्होंने सबसे पहले टीबी के टीके की खोज की थी। अगला प्रश्न है, कौन सा पौधा कवक तथा शैवाल का परस्पर संबंध दर्शाता है, कौन सा पौधा कवक तथा शैवाल का परस्पर संबंध दर्शाता है। ऑप्शन है लाइकेन, क्लोरेला, एस्परजिलस या फिर लेकेनोरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाइकेन। ये पौधा कवक और शैवाल के परस्पर संबंध को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, किस पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है, किस पौधे की पत्ती में जड़ पाई जाती है। ऑप्शन है जूसिया, अमरबेल, ब्रायोफिलम या फिर आर्किड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रायोफिलम। इसकी पत्तियों से जड़ निकलता है जो विकसित होकर नए पौधे का जन्म देने की क्षमता रखता है। तो सही आंसर क्या होगा, ब्रायोफिलम, जिसका नाम अजूबा भी है ये, और इसका वनस्पति के नाम है निफेंथिस कासियाना, क्योंकि यह मेघालय की खासी नामक पहाड़ियों में पाया जाता है, इसलिए इसका वनस्पति के नाम हो गया निफेंथिस कासियाना। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए तनों का रूपांतरण प्रकंद, राइजोम, स्तंभ कंद, शल्क कंद या घन कंद। सूची दो है, प्याज, जिमीकंद, हल्दी, आलू। तो यहाँ पे दिए हुए हैं कुछ कूट शब्द जिनको देखकर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3412 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, सूक्ष्मकोद्भिद लक्षण यानी सिम्टम्स वाला पौधा है। ऑप्शन है नागफनी, गुलाब, लहसुन या फिर इनमें सभी। किसमें सूक्ष्मकोद्भिद है,
तो इसका आंसर होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागफनी, जिससे उसकी उसका जो तना होता है मांसल होता है और पत्तियां कांटे के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। तो सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, नागफनी। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, पौधों में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों के किस भाग में संपन्न होता है। ऑप्शन है पर्णाधार, लीफ बेस, पर्णवृंत, पर्णदल या फिर इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा लेमिना या पर्णदल, लेमिना या पर्णदल, इसी के द्वारा मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो पाती है। तो चलिए यहीं पे आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।